कुर्बानियों के रस्तों पे चलना बहुत कठिन था, जांबाज कर गए जो करना बहुत कठिन था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिव्य हिमाचल टीवी उन तमाम शहीदों को नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इसी मौके पर साहित्यकारों ने कुछ इस अंदाज में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वरिष्ठ साहित्यकार रेखा डडवाल ने कुछ यूं याद किए वतन के रखवाले। कुर्बानियों के रस्तों पर चलना बहुत कठिन था, कुर्बानियों के रस्तों पर चलना बहुत कठिन था, जांबाज कर गए जो करना बहुत कठिन था, कुर्बानियों के रस्तों पर चलना बहुत कठिन था। फहरा सके तिरंगा या इसमें लिपट के लौटें, फहरा सके तिरंगा या इसमें लिपट के लौटें, ऐलानिया ये कहकर, ऐलानिया ये कहकर, ऐलानिया ये कहकर, करना बहुत कठिन था, जांबाज कर गए जो करना बहुत कठिन था, कुर्बानियों के रस्तों पर चलना बहुत कठिन था। कवि भक्तराम मंढोत्रा की ये पहाड़ी प्रस्तुति भी कमाल की रही। असा अपने हक मंगदे, फर्ज नी निभांदे। हक पाने ताई फर्ज निभाना पौंदे, हक पाने ताई फर्ज निभाना पौंदे, जनता भुल्ले नी जशन मनाना पौंदे। साथी पिछे रहण नी कोई अपने, साथी पिछे रहण नी कोई अपने, लाई ने ठोलू लोक जगाना पौंदे। मित्रों जे बाबे इक बरी रुसे तां चरणा नक रगड़ी रोट चढ़ाना पौंदे। मार कुटाइयां कोई गल नहीं बनदी, मार कुटाइयां कोई गल नहीं बनदी, उत्पाती प्यारे ने समझाना पौंदे। भगता ए जगता है जींदियां दा पर, भगता ए जगता है जींदियां दा पर, मेले यादां दे खूब सजाना पौंदे। हक पाने ताई फर्ज निभाना पौंदे, जनता भुल्ले नी जशन मनाना पौंदे। जय हिंद। साहित्यकार प्रत्युष गुलेरी ने कहा, धन्य धन्य भारत के वीरो, शत शत नमन तुम्हें प्रणाम। धुराया दुश्मन मार तिरंगा फहराया, बारंबार इतिहास धुराया, दुश्मन मार तिरंगा फहराया, दुर्गम में भी लड़ सकते हैं, दुर्गम में भी लड़ सकते हैं, दिया विषव को ये पैगाम, दिया विषव को ये पैगाम, धन्य धन्य भारत के वीरों, शत शत नमन तुम्हें प्रणाम। बारंबार इतिहास दोहराया, दुश्मन मार तिरंगा फहराया, दुर्गम में भी लड़ सकते हैं, दिया विषव को यह पैगाम, धन्य धन्य भारत के वीरों, शत शत नमन तुम्हें प्रणाम। बेश कीमती भारत की माटी, वेश कीमती भारत की माटी, मस्तक रही कश्मीर की घाटी, वेश कीमती भारत की माटी, मस्तक रही कश्मीर की घाटी, बलिदानों की है परिपाटी, बलिदानों की है परिपाटी, पाई हमने विजय अविराम, बलिदानों की है परिपाटी, पाई हमने विजय अविराम, धन्य धन्य भारत के वीरो, शत शत नमन तुम्हें प्रणाम, धन्य धन्य भारत के वीरो, शत शत नमन तुम्हें प्रणाम। मिली क्या आजादी के इनकलाब भूल गए। उत्तर प्रदेश बनारस के कविवर
सर्वेश कुमार मिश्र का ये संदेश भी प्रेरणा से भरपूर है। मिली क्या आज़ादी कि इनकलाब भूल गए, शब्द रूपी फसल काट रहा हूँ, शब्द रूपी फसल काट रहा हूँ, हे कविता तेरे रूप में मैं आज फिर इनकलाब बांट रहा हूँ। उठो और जाओ, उठो और जाओ, तुम प्रहरी बनो, भटके हैं लोग, कदम दर कदम जीने का हिसाब भूल गए। मिली क्या आज़ादी कि इनकलाब भूल गए, मिली क्या आज़ादी कि इनकलाब भूल गए। और कुछ यूँ है, देखो खून के बदले खून, बदले प्रेम के नफरत, राखी की कीमत फर्ज दूध का और सिंदूर का लाज भूल गए। मिली क्या आज़ादी कि इनकलाब भूल गए, मिली क्या आज़ादी कि इनकलाब भूल गए। और अंत में नाहन के युवा कवि पंकज तन्हा का यह अंदाज देखिए, शहीदों का उपहास मत करो आप। तो ये थी दिव्य हिमाचल टीवी की प्रस्तुति। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस, अगर भारत माँ आपसे कुछ कह पाती तो ये कहती। एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं कि स्वतंत्रता दिवस का बंद करो ये आलाप, स्वतंत्रता दिवस का बंद करो ये आलाप, शहीदों का उपहास मत करो आप। कौन सी स्वतंत्रता है, किसे मना रहे हो, बेवकूफ बनाकर मेरा मखोल उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको, तिरंगा लहरा रहे हो, किस लिए यूं झूठी खुशियां मना रहे हो। अंग्रेजों के चले जाने के सालों बाद भी तुमने मेरा ये क्या हाल कर दिया, अंग्रेजों के चले जाने के सालों बाद भी तुमने मेरा ये क्या हाल कर दिया। हिंदू मुस्लिम दंगों, बढ़ते भ्रष्टाचार और नेताओं के कारनामों ने मुझे बदनाम कर दिया। नैतिकता व मानवता का हनन, स्वदेशी संस्कृति और ईमानदारी का अंत कर दिया। मैं खतरों से घिरी हूँ, पहले मुझे बचाओ, मैं खतरों से घिरी हूँ, पहले मुझे बचाओ। जगह जगह फट रहे हैं बम, सबकी दहशत मिटाओ। और अंग्रेजों से तो मुक्ति दिला दी मुझे, अंग्रेजों से तो मुक्ति दिला दी मुझे, अब भ्रष्टाचार बेईमानी कुशासन अराजकता लूट खसूट अनैतिकता सांप्रदायिकता और भेदभाव से भी मुझे स्वतंत्र कराओ। जाओ पहले प्यार की फसल उगाओ, ईमानदारी के फूल खिलाओ, तब आकर मेरी स्वतंत्रता का जश्न मनाओ, तब आकर मेरी स्वतंत्रता का जश्न मनाओ।